श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश उत्सव हरियाणा के नारायणगढ़ के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया। श्री अखंड पाठ जी के भोग के उपरांत कीर्तन दरबार सजाए गए, जिसमें रागी जत्थे ने संगत को शब्द कीर्तन सुनाकर निहाल किया। गुरुद्वारा के सचिव ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के ही नहीं बल्कि समूचे जगत के गुरु हैं। टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। अज नैनगढ़ गुरुद्वारा श्री सिंह सभा विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा के भावना के नाल मनाया गया। बड़ी गिनती दे विच सिख संगत गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचियां अते मत्था टेक के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतियां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज केवल सिख धर्म के नहीं बल्कि समुचे जगत के गुरु हैं। पहली पातशाही तो लैके श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दसवीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक दसा गुरुआ की ज्योत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की। 1604 ईस्वी के विच हरिमंदर साहब विखे पहला प्रकाश करवाया। बाबा बुढ़ा जी ने पहले हेड ग्रंथी साजिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 1430 अंग हैं। 6 गुरुआं की बाणी 16 भगतां की 11 भट्टां की 4 सिखां की बाणी दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सर्व सांझी वालता का उपदेश देती है। सर्ब के भलाई लई हर रोज़ गुरुद्वारा साहिबाना में अरदास की जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भी यही कहा, सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। असी उस गुरबाणी दे लड़ लगीए, गुरबाणी का उस परमात्मा अकाल पुरख का वाहिगुरु का सदा नाम जपते रहिए, क्योंकि इस संसार दे विच वाहिगुरु के नाम बिना कुछ नहीं है। सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।